हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SIMTS एजुकेशन कोचिंग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक्सेल के उस एडवांस फॉर्मूले का जिसका नाम है डबल एच लुकअप। आप सब लोगों ने सिंगल एच लुकअप का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, लेकिन मैं आज आपको डबल एच लुकअप का बात करूँगा, सिखाऊँगा। ठीक है, एक्चुअली में डबल एच लुकअप होता क्या है ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डबल एच लुकअप से हम एक ही शीट पर बने हुए दो डेटा को डबल एच लुकअप के द्वारा हम उस वैल्यू को ला सकते हैं, यानी कि टेब एक डेटा से दूसरे डेटास के वैल्यू को हम ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे चलिए अब हम स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो डेटा बनाया हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2, जिसमें आप देखेंगे कि आईडी है जो 101 से लेके 105 तक बने हुए आईडीज। ठीक है, अब टेबल नंबर 2 में देखेंगे कि आप यहाँ से नेम से शुरू हो रहा है। टेबल नंबर 1 में आपका नेम है, वही टेबल नंबर 2 में सेम नेम है। ठीक है, टेबल नंबर 1 में जो डेटा है, थर्ड डेटा, वो है आपका एज का। ठीक है, थर्ड रो में यहाँ से लेके 1 2 3, इस थर्ड रो में एज है। बट टेबल नंबर 2 में जो डेटा है, पहला रो में नेम है जो कि सेम टू सेम है टेबल नंबर 1 के नेम से। ठीक है, टेबल नंबर 2 में सेकेंड रो में सैलरी का डेटा है, वही थर्ड रो में आपका लोकेशन है। आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पे नेम है, वो नेम आपके दोनों डेटा में सेम है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि ये डेटा एक ही डेटा है, लेकिन दो दो डेटा में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब जैसा कि इस टेबल्स को अब अगर हम देखेंगे, दोनों टेबल को, तो इसमें डेटा जो है हॉरिजेंटली है, यानी कि रोज के ऊपर व्यवस्थित है। ठीक है, तो हमारा मकसद है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि हम टेबल नंबर 1 के आईडी को एंटर करते ही टेबल नंबर 2 में जो मौजूद सैलरी के डेटा है वो यहाँ पे हमें दिखा दे, तो इस चीज को निकालने के लिए अगर हम बात करेंगे फॉर्मूले की, तो वो सिर्फ और सिर्फ एच लुकअप वैल्यू के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, एच लुकअप यानी कि हॉरिजेंटल लुकअप। तो ये हमारे जो डेटा है, ये हॉरिजेंटली जो रोज में पड़े हुए हैं, और एच लुकअप जो डेटा को रीड करता है वो आपका हॉरिजेंटली यानी कि रॉस डेटा को। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं इसको हम कैसे करें। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि हमने आईडी जो कि हमारा टेबल नंबर 1 से उठा के रखा गया है, और सैलरी का जो डेटा है वैल्यू पुट होके आए टेबल नंबर 2 से। ठीक है, तो टेबल नंबर 2 का जो डेटा आएगा आपके पास, वो उठ के आएगा कैसे? टेबल नंबर 1 के आईडी से। ओके, टेबल नंबर 1 के आईडी से जब उठ के आएगा, इसका मतलब ये है कि हम अगर सिंगल एच लुकअप लगाएंगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये एच लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे लगा के ब्रैकेट शुरू करता हूँ। अब सिंटेक्स पे ध्यान दीजिएगा, लुकअप वैल्यू पूछा जा रहा है एच लुकअप में, और टेबल अरे पूछा जा रहा है रॉ इंडेक्स नम यानी कि नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद सिंटेक्स में है रेंज लुकअप, तो इसको हम आईडी लुकअप को लेंगे हम आईडी में। मान लीजिए कि 101 का आईडी हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया सेल रेफरेंस को देखे। ठीक है, अब टेबल अरे में हम उठाएंगे ये पूरा का पूरा, यानी कि B1 से लेके G3 तक, B1 से लेके G3 तक। ठीक है, अब हमारा ये
टेबल अरे कंप्लीट हो गया। अब हम कोमा लगाएंगे तो हमसे पूछा जा रहा है सिंटेक्स में कि रॉ इंडेक्स नंबर यहाँ पे इनपुट करना है, ठीक है। तो हम डेटा से सेकंड का नेम ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड, क्योंकि हमारा एज का नहीं चाहते हम, सैलरी का चाहते हैं। और दूसरे में नेम है, दूसरे डेटा में नेम सेम है, तो हमें यहाँ पे नेम ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम नेम, यानी कि हमने टेबल अरे ये है हमारा, तो हमारा एक नंबर रॉ नंबर वन ये है, रॉ नंबर टू ये है, तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया, फिर कोमा। अब एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो एंटर करके शिफ्ट के साथ जीरो बटन यानी कि ब्रैकेट को बंद करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आकाश का नाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आकाश का नाम आ गया, लेकिन हमारा मकसद है सैलरी लाना, जो कि हमारे दूसरे टेबल पे है, ठीक है। अभी हमने टेबल से यहाँ पे लेके आ गए हम आईडी को, हमने लुकअप वैल्यू में डाल दिया ये सेल रेफरेंस को, ठीक है, C1 को। तो इस आईडी से रॉ में से ये रॉ हमने लिया था नंबर टू, ठीक है, नंबर टू लिया था टेबल अरे को सेलेक्ट करने के बाद। तो नंबर टू में से आकाश कहाँ पे है ये हमें सर्च करके यहाँ पे दिखा दे रहा है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। चलिए इसको अब हम इसमें देते हैं, ये टेबल वन में से हमने आईडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको मैंने पहले से इसलिए बना लिया है ताकि आपको समझाओ तो उतना टाइम ना लगे बनाने में, ठीक है। चलिए टेबल वन से मैं आईडी उठाऊंगा यहाँ पे, ओके, और टेबल टू से सैलरी आनी चाहिए, हम ये लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे टेबल वन की आईडी का एंट्री करें यहाँ पे, और हमारी सैलरी टेबल टू से निकल के यहाँ पे आ जाए, हमारा मकसद ये है। चलिए शुरू करते हैं हम, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं अब हम, इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ से दिया था इसको, ठीक है, तो रॉ में से काउंट करके दिखा रहा है, लेकिन अब हम लुकअप वैल्यू यहाँ पे देंगे क्योंकि हम जो आईडी देंगे वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस सेल को हमने रेफरेंस में दे दिया, ओके, ताकि इस सेल को रीड करें, पर्टिकुलर किसी एक चीज को नहीं। अब यहाँ पे क्या दिक्कत था कि जब हम रॉ में से इसी को सर्च करना है तो रॉ नंबर टू, और अगर हमें यहाँ पे आ जाना है तो रॉ नंबर थ्री करना पड़ेगा, तो बार बार हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री करता जाऊँ और यहाँ पे डिटेल्स आता जाए, इसलिए मैंने लुकअप वैल्यू को इसमें अटैच कर दिया, यानी कि इस सेल को रेफरेंस में ले लिया, ओके। अब टेबल अरे में मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट मीन्स B1 से लेके G3 तक यहाँ पे दे दूंगा, फिर कोमा दे के आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे पूछा जा रहा है रॉ इंडेक्स नंबर, तो रॉ इंडेक्स नंबर हमें नेम लेना है क्योंकि इसमें भी नेम है, तो नेम के थ्रू ही ये सर्च कराएगा, ठीक है, इतना याद रखना आप, आगे पता चलेगा आपको कैसे, ओके। तो रॉ नंबर हमारा टू है, मैंने टू दिया, कोमा लगाया एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो और ब्रैकेट बंद, ठीक है, देखिए आ गया आकाश। अब यहाँ से हमारा टेबल वन का, अब नेम से नेम ले आएंगे लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो अब हमें इस फॉर्मूले बार में जाके, ठीक है, यहाँ पे एक और एच अप लुकअप को हम पुट करेंगे, ठीक है, एच लुकअप पुट हो जाएगा, देखिए एच लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे देखना है आपको, समझने वाली बात है कि लुकअप वैल्यू जो हमने सिंगल एच लुकअप का पहले लगाए थे, यानी कि इसका, ठीक है, तो लुकअप वैल्यू आपका ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका लुकअप वैल्यू में चला गया। तो कोमा लगते ही हमसे पूछा जा रहा है टेबल अरे, अब ये दूसरा सेकेंड एच लुकअप लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यानी कि टेबल टू का टेबल अरे में हम सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका होगा J1 से लेके O3 तक का, मेरे एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग, आपका कहीं पे भी आ सकता है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, अब रॉ इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, हम निकालना क्या चाहते हैं, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं सैलरी, तो हमारा टेबल अरे ये है, तो एक दो तीन ऐसे काउंट होगा हमारा रॉ, ठीक है,
तो रॉ में से हमारा एक नंबर ये है, सैलरी वाला जो रॉ है वो आपका सेकंड नंबर पे है। तो मैं टू दबाऊँ, टू प्रेस करके टू एंटर करूँगा मैं इसमें, उसके बाद कोमा लगाऊँगा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो, ब्रैकेट बंद, और आप देखेंगे कि हमारे पास सैलरी आ गया। ठीक है, तो सैलरी हमारे पास आ गया। अब चलिए हम इस फॉर्मूले का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, टेस्ट करके ये देखना है कि 101 पे आकाश है, आकाश की सैलरी यहाँ पे कितनी आ गई, 20,000। चलिए चेक करते हैं, ये आकाश है 101 पे, और ये यहाँ पे भी आकाश है, तो ये हमारा 20,000 सैलरी आ गया, देखिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और टेस्ट कर लेते हैं। 105 आईडी को एंटर करके करते हैं, देखिए 105 में श्रुति है, यहाँ पे भी श्रुति है, 28,000 सैलरी है इसकी, तो 28,000 सैलरी आ गया। ये आपका डबल एच लुकअप के द्वारा ही पॉसिबल होता है, और एच लुकअप हॉरिजेंटली डेटा को रीड करता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं एक चीज और इसमें मेंशन कर देते हैं, थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं इसको हम, एडवांस इन द सेंस कि जैसे कि मैं यहाँ पे सैलरी टाइप कर रहा हूँ तो सैलरी आ जा रही है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं लोकेशन टाइप करूँ तो आईडी नंबर यानी कि 105 आईडी का लोकेशन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं, चलिए हम फॉर्मूला बार पे चलते हैं, देखेंगे आपकी यहाँ पे नंबर 2 मेंशन है जो कि हमारा रॉ को काउंट करा रहा है। ठीक है, और ये चीज हमारा मैच फॉर्मूले से ही पॉसिबल होता है, मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, मैच फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि मैच फॉर्मूला लगाए कहाँ पे, सिंगल फर्स्ट एच लुकअप वाले फॉर्मूले में या फिर सेकेंड एच लुकअप वाले फॉर्मूले में, तो ये निर्धारित करेगा हमारा कि हम अगर सेकेंड फर्स्ट वाले एच लुकअप से ये चीज लेना चाहते, ये चीज हमें चाहिए, तब हम फर्स्ट वाले एच लुकअप में लगाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये नेम आ जाए, सैलरी आ जाए, सैलरी टाइप करते ही, और लोकेशन टाइप करते ही लोकेशन दिखा दे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि सेकंड टेबल में है, यानी कि सेकंड एच लुकअप में लगाएंगे, और एच लुकअप यहाँ से हम जो रॉ इंडेक्स नंबर है उसको डिलीट करेंगे, और यहाँ पे हम मैच का फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन हो गया, देखिए अब ब्रैकेट ओपन होते ही लुकअप वैल्यू पूछता है ये। ठीक है, तो हमें लुकअप वैल्यू, लुकअप कहाँ से करवाना है, यहाँ से इस वाले सेल से, फिर कोमा देना है, उसके बाद लुकअप अरे पूछा जा रहा है, देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, अब लुकअप अरे हमारा सेकंड टेबल में हम चाहते हैं कि टाइप करे नेम, तो नेम आ जाए इस जगह पे, सैलरी टाइप करे तो उस पर्टिकुलर जो आईडी है उस आईडी से रिलेटिव सैलरी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद लोकेशन टाइप करे तो उस आईडी वाले का लोकेशन जो है वो लोकेशन यहाँ पे हमारा दिखा दे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लुकअप वैल्यू दे देंगे, और अरे यानी लुकअप अरे को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी वर्टिकली सेलेक्ट कर रहे हैं हम। ओके, उसके बाद हम इसमें कोमा लगाएंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो लगा के ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, शिफ्ट प्लस जीरो प्रेस करके। ठीक है, अब हम इसको एंटर करेंगे फॉर्मूला। चलिए अब हम चेक करते हैं कि लोकेशन दिखाता है कि नहीं मैच फॉर्मूला लगने के बाद। ठीक है, चलिए हम इसमें लोकेशन टाइप कर देते हैं। ओके, लोकेशन, चलिए देखते हैं, देखिए आ गया, श्रुति साकेत में है, साकेत का लोकेशन उसका तो आ गया। वही हम 103 लगाए तो गाजियाबाद, 103 में कौन है चलिए देखते हैं, 103 में आकांक्षा, तो ये आकांक्षा, ये आपका गाजियाबाद, यानी कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम एकदम करेक्ट लग गया। ठीक है, चलिए नेम डालते हैं, तो कौन है, आकांक्षा। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे सैलरी लिख रहा हूँ, ठीक है,
तो सैलरी लिखते टाइम अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा तो वो डेटा नहीं उठाएगा, वहाँ से फैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मेरा छोटा सा इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा और हम चाहते हैं कि हमारा इसी ये नीचे खिसक के ना आए एंटर करने के बाद, यहीं पे रहे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे तो हमारा ये जो बॉक्स है ये नीचे हट के नहीं आएगा, यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं कि हमने यहाँ पे लोकेशन डाला और स्पेलिंग एरर हो जाए तो हमारा डेटा यहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके, ठीक है, तो देखिए एरर आ गया, तो हमारे स्पेलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो मैंने एक छोटा सा डेटा बना रखा है, लेकिन आपके वर्किंग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे डेटा होंगे तो उस समय आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होने की संभावना रहती है, हालांकि कुछ लोगों के साथ होता नहीं लेकिन एक हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो उसका शॉर्ट आउट हम कैसे कर सकते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, इसको सिंपल सा है यहाँ पे रखेंगे और इसमें हम डेटा टैब में जाके वैलिडेशन का ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें डेटा वैलिडेशन कर देंगे। डेटा वैलिडेशन में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट में गए हम एरो में अलाउ में सेलेक्ट करके, अलाउ में लिस्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, सोर्स में गए, अब हम चाहते हैं ये तीनों के तीनों इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाए। ठीक है, तो हमने ओके प्रेस कर दिया। देखिए अब यहाँ पे मुझे फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले को F4 से, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फ्रीज हो गया डॉलर साइन से। ओके, अब मैं ओके कर दूंगा, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया। अब मैं जो टाइप करूँ यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ड्रॉप डाउन में से उसी का डेटा दिखा देगा। तो अब देखिए कितना ईजी हो गया, अब ना इसमें कोई मिस्टेक होगा ना कुछ, सेम टू सेम हम इसमें भी लगा सकते हैं ड्रॉप डाउन का। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास अगर सीमित मात्रा में है आईडी या जहाँ तक है हम वहाँ तक सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ओके, चलिए ये तो था रही बात हमारी इसकी। ओके, अब ड्रॉप डाउन का हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, चलिए करके देख लेते हैं हम इसको। डेटा वैलिडेशन में गए हम, डेटा टैब में डेटा वैलिडेशन ओपन किया हमने, डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन को अलाउ में से लिस्ट को सेलेक्ट किया, सोर्स में क्लिक करते ही, और हम क्या करेंगे अब इस टेबल नंबर 1 से आईडीज को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। देखिए अब हमारे पास ये सारे के सारे आईडीज आ गए, तो सबका दिखा देगा जितना आईडीज का है। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास ये कंप्लीटली एच लुकअप जो कि हमने मैच फॉर्मूले के साथ किया है। ठीक है, किसके साथ, मैच फॉर्मूले के साथ। एक ऐसा फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखिए। अगर प्रैक्टिकल के टाइम पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे इस चैनल में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई सॉल्यूशन के रूप में ज़रूर दूंगा। तो आप मेरे इस वीडियो से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और सीखिए, आसान काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से सवाल पूछ सकते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो पास में आपका बेल के आकार का एक शेप है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे जो एडवांस और भी एक्सेल के फॉर्मूले के साथ में वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे क्लिक कीजिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ शेयर करिए इस वीडियो को ताकि आपके दोस्तों को या जो मेरे वीडियो को नहीं देख सके हैं तो आपके शेयर से उनके पास चला जाएगा। ठीक है, तो आप ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, और अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय जरूर हमें बताएं कमेंट के द्वारा। थैंक यू, मैं अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा।